मैं डॉक्टर शरद शर्मा मालवीय मंदिर के ई लर्निंग ऐप पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं वापस से सॉल्यूशन का। कल अपन ने खत्म किया था सॉल्यूशन चैप्टर में, कल अपन ने देखा था मोल अंश मोल प्रभाज या मोल भिन्न। अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा हो तो अपन ने कल देखा था एक्स, अपन मोल अंश को किससे प्रदर्शित करते हैं, एक्स से प्रदर्शित करते हैं। और थोड़ी सी चीज मैं यहाँ पे रिपीट करवा रहा हूँ, अपन ने देखा था यदि किसी बिलियन में दो अवयव दे रखे हैं एक और दो, कितने अवयव दे रखे हैं, दो अवयव दे रखे हैं, और दोनों अवयवों की बात करें एक अवयव के मोल क्या है N1 और दूसरे अवयव के मोल क्या है यहाँ पे N2 दे रखे हैं। एक अवयव के मोल N1 और दूसरे अवयव के मोल क्या है N2। कल थोड़ा सा अपन ने देखा था कि N बराबर अपन ने क्या बोला था W/M बोला था, N बराबर क्या बोला था अपन ने W/M। अगर 1 आ रहा है तो W/M1 कर देना और 2 आ रहा है तो W/M2 बोल देंगे अपन। W मतलब ग्राम में मात्रा और N का मतलब क्या होता है अनुभाग। मैंने कल भी बोला था कि अनुभाग जनरली आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा होता है, वो आपको खुद को निकालना होता है, और ग्राम में मात्रा आपको क्वेश्चन में दे रखी होती है। कल अपन ने देखा था जब दो अवयवों के मोल N1 और N2 दे रखे थे तो अपन ने क्या निकाला था, एक X1 निकाला था और एक क्या निकाला था X2 निकाला था। X1 का मतलब क्या हो गया अवयव एक का मोल अंश, और X2 का मतलब क्या हो गया अवयव दो के मोल अंश। और जब अपन ने डेफिनेशन बताई थी कि मोल अंश का मतलब क्या होता है, कल जो अपन ने देखा था वही रिपीट कर रहा हूं मैं, और नोट्स आपको मिल गए होंगे, PDF आपने देखी होगी, उसी के बेसिस पे बता रहा हूं कि मोल अंश को अपन ने क्या बोला था, किसी बिलियन में उपस्थित किसी अवयव के मोल, वैसे भी ले लो अगर X1 निकालना है तो इसके मोल लेना, X2 निकालना हो तो पहले इसके मोल लेने हैं अपन को, तो किसी बिलियन में उपस्थित किसी अवयव के मोल तथा बिलियन में उपस्थित सभी अवयवों के मोल मोलों के योग का अनुपात क्या कहलाता है मोल अंश कहलाता है। तो X1 बराबर अपन ने क्या बोला था N1/ क्या बोल दिया था यहाँ पे N1+N2। X2 निकालना हो तो अपन क्या बोले था 2 का निकालना है तो 2 के मोल ऊपर ले लो और N1+N2 क्या ले लो नीचे ले लो। ये चीजें अपने कल देखी थी अगर थोड़ा सा याद आ रहा हो तो, और जनरली पता भी होना चाहिए N निकालने के लिए अपन क्या लगाते हैं W/M, ये चीज पता होनी चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन तभी क्लियर होगा जब आपको ये चीज समझ में आएगी। सिंपल सी बात है, केमिस्ट्री में 4 से 5 न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, और बोर्ड एग्जाम की बात करो केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल बहुत इजी होते हैं, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, डाटा पता होना चाहिए, डाटा पुट करो और पूरे में से पूरे मार्क्स आते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। लेकिन फिर भी अपन ने यहाँ पे देखें, साथ में मैंने ये चीज भी अपन ने यहाँ पे देखी थी अगर आपको याद आ रहा हूँ, तो मैंने बोला था कि X1+X2 बराबर क्या होता है 1 होता है, मोल अंशों का योग कितना होता है 1 होता है। अगर आपने एक मान निकाल लिया तो दूसरा मान निकालने के लिए फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, क्या करोगे दूसरा मान निकालने के लिए एक में से इसको घटा दो तो दूसरा मान क्या हो जाएगा निकल जाएगा। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल बता रहा हूँ मोल अंश के बेसिस पे ही बता रहा हूँ, जो भी आपको PDF मिली हुई है उसी के बेसिस पे आपको एक बार देखना, फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, समझ में नहीं आया तो एक बार वापस से मैसेज करना और मुझे बताना प्रॉब्लम क्या आ रही है न्यूमेरिकल में। क्वेश्चन देखें न्यूमेरिकल अपन यहाँ पे तो जनरली क्या दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे मैंने ले लिया यहाँ पे 20 ग्राम NaOH, 20 ग्राम NaOH, मैंने क्या बोल दिया 36 ग्राम पानी में घुला हुआ है, तो NaOH व H2O के मोल अंश ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, मैंने क्या ले लिया है यहाँ पे 20 ग्राम NaOH, इसमें घुला हुआ है 36 ग्राम पानी में घुला हुआ है, दो चीजें दे दी NaOH दे दिया और क्या दे दिया अपन को पानी, दो अवयव दे दिए, एक दे रखा है अपन को NaOH और दूसरा अवयव अपन को क्या दे रखा है यहाँ पे पानी दे रखा है, पहली चीज तो ये क्लियर होगी। दूसरे NaOH की ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है अपन को यहाँ पे 20 ग्राम और पानी की ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है अपन को 36 ग्राम, ठीक है। और दूसरी अगर चीज अपन देखना चाहे तो यहाँ पे पता होना चाहिए, अपन आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है यहाँ पे, सॉल्यूशन की बात करें अपन यहाँ पे तो अपन को दो चीजें दे रखी है, एक को दे रखा है NaOH और एक क्या दे रखा है H2O। अब ये चीज तो कम से कम समझ में आ गई होगी सबके जहां तक है कि NaOH पानी में घुला हुआ है तो NaOH को क्या हो गया विलय और पानी क्या हो गया विलय, ये चीज समझ में आनी चाहिए। जिस चीज को घोल रहे हैं वो क्या होता है विलय और जिसमें अपन घोल रहे होते हैं वो क्या होता है विलायक होता है, क्लियर। तो NaOH अपना क्या हो गया यहाँ पे विलय
और H2O मतलब पानी क्या हो गया यहाँ पे विलायक हो गया, ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद में अगर बात करना चाहे अपन यहाँ पे NaOH की मात्रा कितनी दे रखी है अपन को यहाँ पे 20 ग्राम और पानी की मात्रा कितनी दे रखी है अपन को यहाँ पे 36 ग्राम। आई थिंक क्लियर है जो क्वेश्चन दे रखा है। न्यूमेरिकल सबके समझ में आना चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल अपनी उम्मीद करते हैं जितने भी न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में आते हैं वो सभी के सही होते हैं सारे के सारे, क्योंकि 100 में से 100 आना है तो न्यूमेरिकल पोर्शन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। थोड़ी तो जनरली हो ही जाती है कि न्यूमेरिकल पोर्शन आपको आना चाहिए। अब अपन को ग्राम में मात्रा दे रखी है और यहाँ पे भी क्या ग्राम में मात्रा दे रखी है। अब अपन को निकालना है यहाँ पे, एक तो निकालना है यहाँ पे एक्स NaOH क्या होगा और दूसरा निकालना है अपन को यहाँ पे एक्स H2O क्या होगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, NaOH भी निकालना है और क्या निकालना है H2O। क्वेश्चन एक बार रीड कर लेना क्योंकि कॉपी साथ में लेके बैठो, एक बार जो क्वेश्चन लिखा है थोड़ा सा डाटा पता होना चाहिए क्योंकि मैं ऊपर का पार्ट मिटाऊंगा वापस से थोड़ी सी दिक्कत आएगी तो पता होना चाहिए। एक्स NaOH और यहाँ पे क्या ले लिया अपन ने एक्स H2O। अभी निकालना तो है लेकिन एक्स NaOH निकालने से पहले अपन को क्या निकालना है, क्योंकि एक्स NaOH निकालने के लिए अपन को क्या पता होना चाहिए NaOH जिसका भी मोलर्स निकाल रहे हो पहले उसका क्या पता होना चाहिए मोल अपॉन क्या होता है NaOH प्लस क्या होता है NH2O। ये क्या होता है जिसका भी मोलर्स निकालना है उसका मोल तो क्या ले लो ऊपर और दोनों का मोल इसका मोल और इसका मोल दोनों क्या ले लो यहाँ पे नीचे। तो सबसे पहले तो एक्स NaOH निकालने के लिए अपन को ये मान पता होना चाहिए और NH2O पता होना चाहिए। अगर ये दोनों मान पता ये तो एक ही सेम ही है, अगर ये मान पता होना चाहिए और ये मान पता होना चाहिए, अगर ये दोनों मान पता नहीं तो अपन आगे का न्यूमेरिकल सोल्व कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल पोर्शन सोल्व करने के लिए डाटा सबको पता चल गया, मैं ऊपर की जो थोड़ी देर की क्वेश्चन वो मिटा रहा हूं यहां पे। हाँ अभी देखो अपन को ये दोनों मान पता होना चाहिए उसको निकालने के लिए मैंने क्या ले लिया यहाँ पे सबसे पहले बात करूं यहाँ पे NaOH और सबको पता है N बराबर क्या होता है, आपने पहले भी देखा था कल भी बताया था मैंने NaOH बराबर क्या होता है N बराबर क्या होता है जनरली W अपॉन क्या होता है M होता है अपने देखा था NaOH बराबर के ले लिया अपने W अपॉन M। अब W N किसका था NaOH का, तो यहाँ पे भी लिखना चाहो तो NaOH का और यहाँ पे भी लिखना चाहो तो किसका है NaOH का। 1-2 नहीं लगाया मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया NaOH लगा दिया। अब मैं बात करूँ NaOH की ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है तो कितनी दे रखी है 20 तो अपने मान कितना रख दिया यहाँ पे 20 दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे ले लिया अपन ने कितना 20 ठीक है। और NaOH का अनुमान कितना होता है कल अपन ने देखा था Na का कितना होता है 23 ऑक्सीजन का कितना होता है 16 हाइड्रोजन का कितना होता है 1 तो तीनों को जोड़ा अपना कितना हो गया 40 तो कितना हो गया काटा अपन ने यहाँ पे 1/2 तो कितना ले लिया अपन ने 0.5। यहाँ तक समझ में ये तो अपन ने क्या निकाले मोल निकाले मोलस नहीं निकाला अभी तक फॉर्मूला तो ये अपन ने क्या निकाले यहाँ पे मोल निकाले समझ में आ रहे सबके क्या निकाले अपन ने यहाँ पे मोल। अब मुझे निकालना है यहाँ पे NH2O का NaOH का तो निकाल दिया कि मोल कितना आ गया 0.5 मोल आ गया यहाँ पे लेकिन NaOH का निकालने के लिए अपन क्या करेंगे NaOH की ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है वही से W अपॉन M लगेगा ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है यहाँ पे तो अपन क्या बोलते हैं W H2O और यहाँ पे क्या ले लिया अपन ने MH2O वही ग्राम में मात्रा किसकी पानी की और अनुपात किसका हो गया पानी का तो अपन ने क्या ले लिया H2O का कितना है 36 ग्राम यहाँ पे 36 अनुपात कितना होता है ऑक्सीजन का 16 दो हाइड्रोजन कितना हो गया 2 तो कितना हो गया 18 यहाँ पे कितने मोल हो गए 2 मोल। अब ये ध्यान से समझना ये दोनों चीजें जो अपन ने निकाली है ना यहाँ पे ये मोलस नहीं है ये अभी क्या निकाला अपन ने यहाँ पे मोल निकाला है क्या निकाला है मोल। थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन है थोड़ी सी दिक्कत जरूर आएगी लेकिन अपन छोड़ेंगे नहीं क्योंकि अगर पूरे में से पूरे मार्क्स लेके आने तो ये सारी चीजें अपन को समझ में आनी ही चाहिए और आएगी ऐसा कुछ नहीं है। जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी तो सब चीजें और क्लियर हो जाएगी जहां पे भी दिक्कत आएगी फेस टू फेस अपन डिस्कशन करेंगे तो ये सब चीजें क्लियर हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अपन ने दो चीजें निकाली एक तो NaOH का मोल निकाला और एक इसका निकाल दिया अपन ने पानी का मोल निकाला ये मोल निकाला है मोलर सभी बाकी है समझ में आ गया सबके। अब वापस से अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि मुझे NaOH का निकालना है H2O के बाद निकालते हैं एक्स एन NaOH कितना दे रखा है N NaOH कितना था 0.5 तो मैंने मान कितना रख दिया यहाँ पे 0.5 N NaOH प्लस NH2O NaOH का कितना था 0.5 NH2O पानी का कितना है 2 तो मैंने क्या रख दिया यहाँ पे 0.5 और क्या ले लिया यहाँ पे 2 ठीक है। सोल्व करना है सिंपल सी चीज है यहाँ पे क्या ले लिया 0.5 और 2 और 0.5 कितना हो गया 2.5 आई थिंक सबको पता है इतना तो मैं आता ही सबको। अब यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट से पॉइंट क्या चलेगा
और पांच बचा यहाँ पे 25 बचा, पांच से काटना तो कितना बार गया, पांच बार, तो बचा कितना यहाँ पे 1/5, और 1/5 का मतलब सबको पता है कितना हो गया 0.2, कितना हो गया 0.2। किसका निकाला आपने, एक्स NaOH, किसका निकाला एक्स NaOH, तो NaOH का मोलेंस कितना हो गया 0.2 हो गया, इकाई नहीं होती, कल भी बताया था मोलेंस की कोई इकाई नहीं होती है। अब मुझे निकालना किसका XH2O भी निकालना, क्या निकालना है XH2O, तो मैंने कल ये भी बताया था कि मोल अंशों का योग XNaOH XH2O बराबर क्या होता है, एक होता है। मोल अंशों का अगर दो अवयव है तो दोनों का मोल अंशों का योग कितना होता है, एक, तीन होते हैं, तब भी क्या होता है, तो या तो आप जाओ इस फॉर्मूले पर, पहले यहाँ पे H2O ले लो, फिर दोनों को जोड़ के भाग लगा लो, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि एक चीज आपने निकाल ली तो दूसरी चीज एक में से घटा के निकाल लेना। और जनरली 12th बोर्ड की बात करें तो आपके दो अवयव वाले क्वेश्चन ही आते हैं, तीन चार वाले जनरली नहीं आते हैं, जो जनरली पता होना चाहिए। अब मुझे क्या निकालना है XH2O, तो मैंने क्या बोल दिया XH2O बराबर क्या ले लिया 1 - XNaOH, ये इधर लेके जाऊंगा तो माइनस है, क्लियर। अब जनरली XNaOH मुझे पता है ये कितना माइनस का 0.2, तो मैंने क्या कर दिया XH2O बराबर क्या होता है 1 - 0.2, तो मान कितना हो गया 0.8, मान कितना हो गया अपने यहाँ पे 0.8, अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.8, समझ में आया सबके, सिंपल सी बात करें अपन यहाँ पे, बस 0.2 घटा है क्योंकि दोनों के मोल अंशों का योग कितना होता है 1, तो 1 का मान 0.2, तो दूसरे का मान 1 में से घटा लो तो कितना हो गया 0.8। इकाई नहीं होती है, ध्यान रखना, इकाई लगाओगे यहाँ पे तो मार्क्स कटेंगे जनरली, तो ये पता होना चाहिए। तो मोल अंश का अपने अगर बात करें अपन 12th में, आपकी पहली क्लास ही मानो जो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, और न्यूमेरिकल पोर्शन की बात करें तो पहला न्यूमेरिकल ही माने अपने यहाँ पे, तो जनरली न्यूमेरिकल पोर्शन के बेसिस पे बात करें तो अपन को ये न्यूमेरिकल समझ में आना चाहिए। फिर भी किसी को दिक्कत आ रही हो व्हाट्सएप पे मैसेज करो, इंडिविजुअल नंबर भी है मेरे पास, मेरे नंबर जो भी है आपके पास में उसे मैसेज करो, कॉल करो, जो भी है दिक्कत आएगी तो मैं आपको बताऊंगा, जो भी आज पढ़ा दिया वो सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो, ये और देखा अपने मोलस। नेक्स्ट टॉपिक अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मोलस के बाद जो अपन पहले देखे थे, मोलस के बाद अपन देखेंगे यहाँ पे मोलरता, क्या देखेंगे मोलरता, अपन ने चार टॉपिक देख लिए, पांचवा टॉपिक अगर देखना चाहे तो मैंने क्या ले लिया यहाँ पे मोलरता, क्या ले लिया मोलरता। मोलरता की बात करें जनरली सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि मोलरता को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम से। अब तक अपन एम को अनुभारक बोल रहे थे, अगर वन आ जाए तो विलायक का बोल रहे थे, टू आ जाए तो अपन मिले का बोल रहे थे, लेकिन अब मोलरता की बात करें तो अपन प्रदर्शित किससे करते हैं यहाँ पे कैपिटल एम से। अब सबसे पहले बात करें अपन यहाँ पे जो मोलरता दे रखी है ना उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, दे तो 11th में भी रखा था आपने देखा होगा, मोलरता भी दे रखा था और मोलरता भी दे रखा था, लेकिन अगर मोलरता की डेफिनेशन की बात करें तो मैंने क्या बोल दिया 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। अगर जनरली बात करें तो मोलरता क्या होती है, ध्यान से समझना, थ्योरी पढ़ाना आसान है लेकिन न्यूमेरिकल पोर्शन जो मैं बता रहा हूँ आगे जब फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव करूंगा वो सबको पता होना चाहिए, थ्योरी उसके वजह से सोल्व भी हो जाएगी और न्यूमेरिकल भी उसके वजह से सोल्व हो जाएगा। मोलरता की डेफिनेशन क्या बता दी मैंने, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है, क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। इकाई की बात करें, मोलरता की इकाई की बात करें तो मोलरता की इकाई क्या होती है, मोल प्रति लीटर। मोलरता की इकाई क्या होती है, मोल प्रति लीटर। तो मोलरता की बात करें प्रदर्शित किससे करते हैं अपन, कैपिटल एम से। इकाई क्या होती है, मोल प्रति लीटर। डेफिनेशन क्या होती है, जनरली डेफिनेशन को रट्टा नहीं माना, समझना है, जब मैं आगे समझाऊंगा यहाँ पे तो मैंने डेफिनेशन क्या बोली यहाँ पे, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। इसके बाद कौन सा, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, आपने 11th में भी पढ़ा होगा, लेकिन अगर न्यूमेरिकल पोर्शन की बात करें तो होता क्या है, ध्यान से समझना, मैंने क्या लिया है यहाँ पे, अगर जनरली बात करें तो मोलरता बराबर फॉर्मूला डिराइव करना है अपन को यहाँ पे, तो मोलरता बराबर मैंने फॉर्मूला क्या बताया यहाँ पे, डेफिनेशन क्या बताए, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, तो फॉर्मूला भी इसी के बेसिस में, विलय के मोलों की संख्या सबसे ऊपर क्या ले लिया अपने यहाँ पे, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, ये तो क्या ले लिया अपने ऊपर, और यहाँ पे क्या ले रहे थे, 1 लीटर विलयन,
तो मैंने नीचे क्या लिख दिया, विलियन का आयतन, और वो भी किसमें लेना है, यहाँ पे लीटर में, किसमें लीटर में। अब क्यों लिया, क्योंकि अपन यहाँ पे एक लीटर बोल रहे थे, जरूरी थोड़ी कि एक लीटर थे, दो लीटर भी हो सकता है, पांच लीटर भी हो सकता है, एमएल में भी हो सकता है, किसमें भी हो सकता है। तो मैंने विलेय के मोलों की संख्या, मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी, एक लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। तो विलेय के मोलों की संख्या वाला पार्ट तो क्या ले लिया अपने ऊपर, विलेय के मोलों की संख्या वाला पार्ट तो क्या ले लिया अपने ऊपर, और बचा क्या, एक लीटर विलयन, ये तो बचा। एक लीटर विलयन का मतलब क्या हो गया, विलयन का आयतन कितना है, जरूरी नहीं एक लीटर में, अपन कैलकुलेट एक लीटर में करते हैं, लेकिन दे तो कितना भी सकते हैं, दो दे दे, तीन दे दे, पांच दे दे, तो जो भी लीटर दे उसके बेसिस पे अपन किसमें निकालते हैं, एक लीटर विलयन में निकालते हैं। तो ये भी पता होना चाहिए। अब फॉर्मूला बनाना है, तो मोलरता की बात करें, अपन यहाँ पे बोल सकते हैं ऐसा, मोलरता बराबर, आपने देखा था विलेय के मोलों की संख्या, मोल बराबर अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा है, तो अपन ने क्या देखा था, डब्ल्यू अपॉन एम होता है, मोल बराबर क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन एम होता है। अगर वन ले रहे हो तो ये भी वन वन हो जाएगा, टू ले रहे हो तो ये भी टू टू हो जाएगा। अब आप ही बताओ, यहाँ पर अगर बात करें तो विले है, तो विले के लिए एक लेंगे या दो लेंगे, तो आपने देखा ही था, अपन दो तीन दिन से डिस्कस कर ही रहे हैं, विले के लिए या तो अपन टू से प्रदर्शित करते हैं या फिर बी से प्रदर्शित करते हैं, या तो टू से या फिर किससे करेंगे, अपन बी से प्रदर्शित करेंगे। तो विले के मोलों की संख्या, अब एन को अगर ये मोल ही तो है, मोल को लिखना है, तो अपन क्या कर सकते हैं, डब्ल्यू अपन है, डब्ल्यू मतलब ग्राम में, एम मतलब क्या था, अपन जो पहले देखा था अनुपात, तो मैंने इसको ओपन कर, मोल को लिखने के लिए मोल क्या होता है, तो मैंने क्या ले लिया, विले की ग्राम में मात्रा, ये तो लिया था, मोल को प्रदर्शित करने ग्राम अपन अनुपात अपन मोल बताओ सिर्फ, ये तो वैसे कैसे रहेगा, और यहाँ पे क्या ले लिया अपन ने, विले का अनुभाग, मतलब जो मोल था उसको भी अपन ओपन करके लिख रहे हैं, मोल बराबर क्या होता है, ग्राम में मात्रा अपॉन क्या होता है, अनुभाग। तो मैंने क्या बोल दिया, मोल बराबर विले की ग्राम में मात्रा अपॉन विले का अनुभाग, विलायक होता है तो विलायक ले लेता, विले था तो विले ले लिया अपन ने, समझ में आ गया सबके ये चीज। इसके बाद विलियन का आयतन जैसा था वैसे वैसे लिख दिया, मैंने क्या ले लिया यहाँ पे, विलियन का आयतन किसमें लेना था, मीटर में, किसमें लेना था, मीटर में, जैसा था वैसे, ये मान के मैंने वैसे वैसे रखा, लेकिन जो मोल था उसको भी मैंने ओपन करके लिख दिया कि ग्राम में मात्रा अपॉन के ले लिया अनुपात, फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, ये समझ में आना चाहिए, तो न्यूमेरिकल कभी भी समझ में नहीं आएंगे, सिंपल सी बात है। अब मोलरता को अपन किससे प्रदर्शित कर रहे थे, कैपिटल एम से, जो अपन ने फॉर्मूला देखा, विलेय की ग्राम में मात्रा ग्राम में है तो क्या लेंगे अपन यहाँ पे, डब्ल्यू, विलेय है इसलिए अपन क्या लेंगे, डब्ल्यू टू, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, दो तीन दिन से अपन पढ़ रहे हैं, विलेय का अनुभार, अनुभार है तो क्या ले लिया अपन ने एम, और अनुभार है और किसका है, विलेय का, तो अपन ने क्या ले लिया, विलेय था इसलिए डब्ल्यू टू बोल दिया, विलेय था इसलिए अपन ने क्या बोल दिया, एम टू। अब विलियन का आयतन तो मैंने क्या ले लिया, बी, विलियन का आयतन है किसमें ले लिया अपन ने, विलियन का आयतन किसमें ले लिया अपन ने, लीटर। अब ध्यान से समझना, मैंने यहाँ पे वी वन और वी टू क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वन लगाता तो क्या हो जाता है विलेय, और टू लगाता तो क्या हो जाता है यहाँ पे विले, तो मैंने यहाँ पे ना तो वन रखा, नहीं अपन ने क्या रखा है यहाँ पे टू रखा, ये चीज समझ में आ रही चीज सबके। अगर जनरली बात करूं इसके बाद फॉर्मूले को और बढ़ाए, बाई चांस जो आयतन आपको दे रखा है वी, ये लीटर में देंगे और ये आपको देते मिली लीटर में, तो ये भी पता होना चाहिए। तो एम बराबर मैंने फॉर्मूला क्या बना दिया, डब्ल्यू टू अपॉन एम टू लिख रहे हैं, और अगर वी आपको किसमें देते, एम एल में, लीटर की जगह किसमें देते, ml में, तो अपन को रखना तो यहाँ पे मान कौन से, लीटर में, मान किसमें रखना है, लीटर में, लेकिन अगर आपको दे किसमें दे, मिली लीटर में, तो मिली लीटर को किसमें चेंज करोगे, लीटर में, और जब भी मिली लीटर को लीटर में चेंज करोगे तो हजार से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, 1000 से क्या कर दोगे, डिवाइड, लीटर को अगर मिली लीटर में चेंज करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई, एक लीटर में कितने मिली लीटर, 1000, दो लीटर में कितने हो गए, 2000, वैसे अगर मिली लीटर को लीटर में चेंज करना है तो अपन यहाँ पे तो मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन मिली लीटर को लीटर में चेंज करना है तो अपन क्या करेंगे, डिवाइड, तो मिली लीटर को लीटर में चेंज करने के लिए अपन क्या करते हैं, डिवाइड, और डिवाइड करेंगे तो कहां पे चला जाएगा, यहां पे ऊपर। तो अपना फॉर्मूला क्या हो गया, अगर जनरली बात करें यहां पे, तो डब्ल्यू टू अपॉन एम टू बी एम एल में अपॉन 1000। और आपको हमेशा फॉर्मूला कौन सा यूज में लेना है, ये वाला जो मैंने लास्ट में बताया, डेफिनेशन याद करना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर्मूला बेसिस का, और फॉर्मूला ही आपको जनरली पता होना चाहिए। लीटर में दे तो आपको ये फॉर्मूला लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लीटर में दे तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन अगर मिलीलीटर में थे तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है और जनरली आपको क्वेश्चन इसी के बेसिस पे दे रखा होता है। और बाई चांस सपोज अगर आपको मिलीलीटर लीटर में दे भी दे तो एक लीटर में कितने होते हैं 1000। अगर मान लो यहाँ पे 5 लीटर देते हैं तो 5 × 2000 कर दो, यहाँ पे क्या मान रखोगे 5 × 2000 मिलीलीटर में आ जाएगा और 1000 के ऊपर आ जाएगा। जनरली जैसा आप चाहो वैसा रख सकते हो, लेकिन जनरली अपनों को फॉर्मूला जो लास्ट वाला मैंने बताया वो आपको पता होना चाहिए। मैं वापस से पूछ रहा हूँ W2 क्या होता है, तो अपने क्या देखा था W2 मिले की ग्राम में मात्रा। W2 का मतलब क्या हो गया, मिले की ग्राम में मात्रा डाटा पता होना चाहिए। W2 क्या होता है, मिले की ग्राम में मात्रा। M2 क्या होता है, विलय का अनुपात। क्या होता है, विलय का अनुपात। V क्या होता है, अगर 1 आता है तो विलय होता है, 2 आता है तो विलय हो जाता है, लेकिन V है तो अपन क्या बोलते हैं बिलियन का आयतन। किसमें, मिलीलीटर में। अगर मिलीलीटर में होगा तो 1000 ऊपर आएगा, अगर लीटर में होगा तो 1000 ऊपर नहीं आएगा। तो आपको जनरली फॉर्मूला कौन सा यूज में लेना है, मिलीलीटर वाला ही फॉर्मूला यूज में लेना है। अब मैं बोला था कि मोलर तक इकाई क्या होती है, मोल प्रति लीटर। आई थिंक समझ में आ गया होगा, यहाँ पे विलय के मोलों की संख्या तो क्या हो गया मोल, ऊपर वाला पार्ट और नीचे का लिखा विलियन का आयतन लीटर में, तो ये मोल और ये क्या हो गया लीटर, मोल प्रति लीटर। तो मोलर तक इकाई क्या होती है, मोल प्रति लीटर। रट्टा नहीं मानना है, फॉर्मूला पता है तो इकाई भी पता होनी चाहिए। मोल वाला पार्ट की इकाई क्या होगी, मोल, और नीचे वाले पार्ट की इकाई क्या होगी लीटर, मोल प्रति लीटर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि मोलरता की इकाई क्या होती है, मोल प्रति लीटर। प्रदर्शित किससे करते हैं, कैपिटल एम से। डेफिनेशन क्या होगी, एक लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। मोलरता बराबर क्या हो गया, ये वाला पार्ट विलय के मोलों की संख्या ऊपर, विलयन का आयतन क्या ले लिया नीचे, लेकिन लीटर। मोल को अगर ओपन करके लिखना है तो अपन क्या बोलेंगे W/M। तो मैंने क्या किया है, W का मतलब ग्राम है, एम का मतलब क्या ले लिया अनुपात, लेकिन किसका था विले का, तो दोनों जगह क्या रख दिया विले का। ग्राम में था इसलिए W बोल दिया, विले था इसलिए अपने 2 बोल दिया, अनुपात था इसलिए अपने M बोल दिया, विले था इसलिए अपने क्या बोल दिया 2 बोल दिया। आयतन है मिलियन का आयतन लीटर है, तो वी और आयतन किस में रख दिया अपने लीटर में। लेकिन अगर ये ML में दे रखा हो तो अपन को 1000 ऊपर लगाना, और लीटर में दे तो अपन ऊपर वाला फॉर्मूला यूज में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और क्वेश्चन से आपको और समझ में आ जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता, यहाँ तक का पार्ट समझ में है तो लास्ट वाला फॉर्मूला आपको सबको पता होना चाहिए जो मैंने आपको बताया। और इसी में भी अगर बात करें अपन यहाँ पे ये चीज देख लेते हैं, साथ में एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसे सॉल्व करना होता है अपन को। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे दिया कि 5 ग्राम NaOH 500 ml विलयन में घुला हुआ है तो मोलरता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या दे दिया, 5 ग्राम NaOH 500 ml विलयन में घुला हुआ है तो क्या ज्ञात कीजिए, मोलरता ज्ञात कीजिए। अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आया तो क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। M निकालना है, आप ही बताओ फॉर्मूला, ये वाला W2 विलय की ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है, 5 ग्राम। तो मैंने कितना मान रख लिया 5 ग्राम, W2 की जगह मान के रखा मैंने 5। M2 विलय का अनुपात, NaOH का अनुपात कितना होता है, अभी देखा थोड़ी देर पहले कितना होता है 40, क्योंकि Na का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का कितना हो गया 16, हाइड्रोजन का कितना हो गया 1, ये समझ में आना चाहिए 40। विलयन का आयतन किसमें, ML में, ML में दे रखा है यहाँ पे, तो विलयन का आयतन कितना ले लिया अपने यहाँ पे 500 ml, ML में ले लिया, ML में है 1000 ऊपर आएगा क्योंकि लीटर में चेंज करना है अपन को यहाँ पे, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे लीटर में चेंज करने के लिए आपके साथ से क्या लगा दिया 1000। अब 16 तो करना है, क्या है 500 × 1000, 5 × 40, और ये कितना हो गया 4, तो बचा कितना यहाँ पे 1/4। आई थिंक भाग लगाए तो कितना हो जाएगा, एम बराबर 1/4 में भाग लगाए तो 0.1 लगेगा, 1 में भाग जाएगा नहीं 10, 4 × 8 2 बचे, 4 × 5 20, और ये क्या हो गया मोल प्रति लीटर। आंसर क्या हो गया अपने यहाँ पे, मोल प्रति लीटर। कुछ नहीं है, बस ये फॉर्मूला पता है, W2 कितना हो गया 5, M2 NaOH का अनुपात आपको पता है जनरली, विलयन का आयतन कितना हो गया 500 ml, और ML में था इसलिए अपन ने क्या लगा दिया यहाँ पे 1000 लगा दिया, तो अपना क्वेश्चन सोल्व किया। तो क्या कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन वाले पार्ट पर फोकस नहीं करना, लेकिन तरीका पता होना चाहिए। आप यहाँ तक भी खत्म करोगे ना तो भी पूरे मार्क्स मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका इकाई क्या होती है, मोल प्रति लीटर। ये अपन क्या डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे, मोलरता। आगे की क्लास अपन का देखेंगे वही 8 से 8:30, अभी आपकी फिजिक्स की क्लास रहेगी। यहाँ तक का टॉपिक जो आपको मैंने PDF भेजी है वहां तक एक बार देख लेना, क्योंकि सिंपल से न्यूमेरिकल दे रखे हैं। वैसे भी PDF में कोई दिक्कत है तो आप फोन करके या मैसेज करके मुझे पूछ सकते हैं। बाकी क्लास अपन कल देखेंगे। थैंक यू सो मच।